Hi guys, Aarti here and welcome to my channel. So after staying in Oceanic Resort, we decided to move to Ala Goa Resort. I selected Ala Goa Resort and I really like its pictures when I check it on Make My Trip. जैसे मैंने पिक्चर में Ala Goa Resort को देखा था, in real में वो वैसा ही था। So now we have reached here. The hotel name is, as I said, Ala Goa, and it's somewhere near to Kolwa Beach. While booking, there were three options. First was standard room, then swimming pool side huts, and third, I think, villa ka option tha. So I selected swimming pool wala. It seems like entire resort is khali, and that's our swimming pool, and that's the area where. So food hum log ka villa next 2 din ke liye. Let me show you how it looks from inside. रिसोर्ट का लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत पीसफुल जगह है. एंड लुक हियर, सी, ये है रिसोर्ट. उसके थोड़ा सा 2 मिनट चल के हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो वाला एरिया जहाँ पे हॉट्स एंड ऑल है, और ऐसे ये बाहर मस्त ब्यूटीफुल जगह है. हाय, हेलो, हेलो, ये कितने क्यूट है. हाय, भाग गए. आई एम अ बिग फैन ऑफ फ्लावर्स. मेरे व्लॉग में अगर ज़्यादा फूल दिखाई दिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती. आई लाइक फ्लावर्स. अभी तो यहाँ पे पूरा फैमिली दिख रही है. Hey, look at those roses, amazing. We stay in resort for 3 days. कि जब आप ऑफ सीजन में गोवा विजिट करोगे तो आपको 3 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी. एक तो रिसोर्ट के रेट बहुत कम रहते हैं, रास्ते पे एंड बीच पे आपको लोग कम दिखाई देंगे, क्राउडेड नहीं रहता है. एंड तीसरा मतलब रिसोर्ट स्टाफ, दे गेट टाइम टू टेल यू स्टोरीज, टू टेल देयर एक्सपीरियंसेस. तो ऐसे ही बात करते टाइम मैंने उनमें से एक स्टाफ मेंबर को बोला कि आई रियली लाइक नेत्रावली का जो एक्सपीरियंस था, आई रियली इन्जॉय इट. सो ही सजेस्टेड अस टू विजिट बोंडला जू.
ऐसे गूगल पे सर्च करते टाइम मैंने एक देखा था कि इन गोवा देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू कैन स्पेंड टाइम विद एलिफेंट्स. दीज आर सम ऑफ द इमेजेस एंड आई चेक दिस व्हेन वी वेयर इन अलागोवा रिसॉर्ट. मैंने उसमें से एक एम्प्लॉय को ये बोला तो ही सेड यू कैन गेट टू सी एलिफेंट्स इन बोंडला जू. वी डिसाइडेड ओके बोंडला जू जाते हैं. यहाँ पे अभी ज़ीरो नेटवर्क है. मैंने मेरा हेलमेट थोड़ा टाइम के लिए निकाल लिया है क्योंकि वो मेरे साइज़ का नहीं है और मुझे काफ़ी ऐसे हेडेक हो रहा है उसकी वजह से. तो जब हम लोग बोंडला जू के तरफ जा रहे थे तो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी. तो मुझे ऐसा लगा कि एलिफेंट ऐसे फ्रीली यहाँ वहाँ यू नो घूमता रहेगा एंड वी कैन एक्चुअली गो एंड स्पेंड टाइम विद एलिफेंट. लेकिन बाद में आई रियलाइज कि जो पिक्चर्स मैंने वहाँ पे देखे थे वो कुछ अलग प्लेस के थे और हम लोग के रिसोर्ट के स्टाफ ने जो बोंडला जू ये सजेस्ट किया था वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होने वाला था. इनफैक्ट बोंडला जू अगर आप विज़िट करते हो तो सीनरी वाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड बारिश की वजह से सब जगह पे ग्रीनरी थी. काफ़ी वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिखाई देंगे बट द थिंग इज यू नो लेट्स रोल द वीडियो. Hi to this fellow. Hi. कब से पोज दे रहा है? Hey buddy, look here. Hey. Oh wow. You are so beautiful. Thank you. एंट्रेंस से ये जहाँ पे एनिमल्स रखे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए 15-20 मिनट्स लगेगा और यहाँ पे आने के बाद 30-40 मिनट्स में ये पूरा एरिया कवर हो जाता है जहाँ पे ये सब एनिमल्स है. सो इफ़ आई से दिस इज़ वेरी 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 अमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस लाइक नेत्रावली
एंड दिस इज लाइक ओके टाइप एक्सपीरियंस एंड दिस इज वर्स्ट एक्सपीरियंस. देन फॉर बोंडला जू आई विल से दिस इज लाइक ओके ओके एक्सपीरियंस. कल जहाँ पे बाइक रेंट पे ली थी उसके पास भी हेलमेट के कुछ ऑप्शंस नहीं थे. ये भी हेलमेट कुछ काम का नहीं है. Another half an hour to go. It's 4:30 और beautiful background. Protein bar. There is a particular picture I want to show you. This is my face. गोवा में जब कोई बोलता है ना कि आपको ये जगह पे जाने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे, जब आप सच में वहाँ पे जाते हो और आपको 30 मिनट्स के जगह पे 2 घंटा लग जाते हैं, तो ऐसा फेस होता है. अगर आपको ये मेरा जोक समझ में नहीं आया ना, तो शायद आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा होगा. सो ये है लिंक मेरा गोवा का फर्स्ट व्लॉग का. अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैंने अभी जो बात की तो शायद आपको समझ में आएगी. बैक टू द रिसॉर्ट एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश नाउ. शॉवर लिया. और दोपहर का लंच हम लोग ने स्किप किया था एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर लंच प्लस काइंड ऑफ डिनर. और काफ़ी टायरिंग था ये वाला राइड. सिंस इट वाज क्वाइट टायरिंग एंड वी ओनली हैड वन मोर डे, देन वी डिसाइडेड कि ओके हम लोग वहाँ पे आजू बाजू जो भी बीच है वहाँ पे जाएंगे और चिल आउट करेंगे. ना खुद आगे जा रहा है ना हम लोग को आगे जाने दे रहा है. अगर यहाँ पे वेव्स के आवाज नहीं आते हैं तो किसको भी पता नहीं चलेगा कि ये साइड बीच है, क्योंकि पूरा यहाँ पे ग्रीनरी है और कोकोनट ट्रीज.
बहुत जोर से बारिश हो रही है। साउथ गोवा में खाने के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है, उसको बोलते हैं मार्टिन्स कॉर्नर। एंड दिस मार्टिन्स कॉर्नर वॉज जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर रिसॉर्ट। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई नाइस गोवन फूड, देन गो एंड विजिट मार्टिन्स कॉर्नर। अपार्ट फ्रॉम फूड, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, लाइक यू गेट दैट गोवन वाइब्स, जैसे कि आप कोई डिफरेंट एरिया में हो। और वो लोकल लोगों का जो वाइब आता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन आसाम एंड और यू आर इन हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे जाने के बाद अगर आप लोकल लोगों से मोमो खाओगे तो आपको वो लोकल वाला फीलिंग आता है ना, वैसे आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय लोकल वाला फीलिंग। दैट मीन्स यू गेट वाइब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड फाइनली वी रीच हियर, दैट्स द मार्टिन्स कॉर्नर, वेरी फेमस। अलागोवा रिसोर्ट के आजू बाजू जो एरिया है वहाँ पे गोवन स्टाइल के बंगलोज थे, हर एक डिफरेंट ब्राइट कलर में, येलो, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू के तो डिफरेंट शेड्स ही थे। आई वॉज लाइक वाओ, नॉट बिकॉज कि वो बंगलोज बड़े थे या यू नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट जिस तरीके से उन्होंने उसको डेकोरेट किया था, वो जो कलर्स थे ना, इट वॉज सो अमेजिंग। When you see such kind of houses, you can actually imagine कि कितना time निकाल के, कितना detailing में वो घर उन्होंने बनाया है। एक और ब्राइट कलर हाउस, वाओ। सो ब्यूटीफुल, जैसे लग रहा है कि आई एम जस्ट गोना कीप ऑन क्लिकिंग देयर हाउस पिक्चर्स। अभी बहुत सारे गोवन घर के फोटोज निकाले, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर। दैट्स ऑल अबाउट माई गोवा ट्रिप गाइज। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट गोवा व्लॉग, उसका लिंक मैं फिर से यहाँ पे दे रही हूँ। वहाँ पे आपने जो कमेंट्स किए, लाइक्स दिए, थैंक यू सो मच। इफ़ यू रियली लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो टू, देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है। ये व्लॉग में मैंने खाने के रिलेटेड थोड़ा बहुत बोला है, राइट? अगर आपने कभी गोवा विजिट किया है तो आपको कौन सी वो पर्टिकुलर डिश है वो काफ़ी पसंद आई, या अगर आप गोवा में रहते हो तो आपको ऐसी कौन सी पर्टिकुलर डिश है कि आप मुझे सजेस्ट करना चाहोगे कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर फिर से गोवा में जाती हूँ तो मैं पक्का ट्राई करूँगी। सो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। इसके लिए इतना ही, तो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले संडे। ये ट्रिप के और भी पिक्चर्स मेरे वेबसाइट पे है एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन नेक्स्ट संडे। टेक केयर। We can find a war for peace.